हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, ये मैंने दो पीस लिए हैं, इनको बराबर कट कर लिया मैंने। और ये देखिए, इसकी जो तीरा है वो मैं 6 इंच लूँगी, और इसका जो आर्म होल है वो भी मैं 6 इंच लूँगी। ये हम बेबी गर्ल के लिए एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाने वाले हैं। ये देखिए, ये मैंने इसका शेप दे दिया। ये देखिए, ये फिटिंग मैंने पूरी ले ली। ये मैंने 1/4 इंच लिया था, और नीचे से भी 1/4 इंच बिल्कुल एकदम बराबर कट किया हुआ है ये। देखिए, अब हम दोनों पीस को अलग अलग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पोर्शन होगा, इसको हम अलग कर लेंगे बेस से। देखिए इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, अब हम इस टॉप में एक डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 17.5 इंच है, और जो लंबाई है वो 9.5 इंच है। ये देखिए, इसको हम ये दो पीस लिए हैं, और इन दोनों को हम डबल कर लेंगे। और ये देखिए, जो आर्म होल की साइड है उसको हम बराबर ऐसे रखेंगे, और इसी शेप में इसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। देखिए, ये दोनों जो पीस है वो दोनों तरफ के आर्म होल की तरफ अटैच होंगे। देखिए इस तरीके से दोनों साइड में। ये हमारा बॉटम एरिया, ये देखिए, ये 8.5 इंच लिया है मैंने इस तरीके से। और इसका जो आसन हम रखेंगे वो हम रखेंगे 10 इंच। देखिए यहाँ से ये हम इसकी शेप देंगे। ये नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो इसका जो बॉटम एरिया है। देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा जंप सूट बन के रेडी होगा दोस्तों। देखिए, अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। पहले ये देखिए, जो हमने पीस कट कर लिए थे वो हम आर्म होल की तरफ अटैच करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने कर लिए दोनों साइड में। ये देखिए इस तरीके से, ये मतलब एक पीस रेडी हो जाएगा। अब हम इस पे जो फ्रंट पोर्शन हमने कट किया था वहाँ पे चैन अटैच करेंगे। देखिए मैंने चैन भी अटैच कर ली। ये हमारी जो स्लीव बन जाएगी, इसको भी मैंने फोल्ड कर लिया दोनों साइड से। देखिए अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। और बहुत ही लूज़ लूज़ ड्रेस बनेगी, इसमें कोई फिटिंग नहीं होगी एकदम ज़्यादा। अब हम ऊपर से इसको फोल्ड करेंगे। देखिए मैंने फोल्ड कर लिया, और इसमें डोरी डाल दी। देखिए कुछ इस तरीके का लुक आएगा इसमें। ये हम बॉटम एरिया का जो है आसन जोड़ेंगे, ये मैंने जोड़ लिया। अब हम इसको टॉप से अटैच करेंगे। ये देखिए, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इस पर स्टिच कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने स्टिच कर लिया। अब हम इसकी जो फिटिंग है वो करेंगे, सॉरी फिटिंग नहीं, ये जो नीचे का एरिया है उसको स्टिच करेंगे। देखिए अब हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे। हमारा जो ड्रेस है इस तरीके बन के रेडी होगा हमारे पास। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जंप सूट? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।